गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू, आई एम साधना कुमारी फ्रॉम महात्मा गांधी शिक्षण संस्थान दरभंगा। बच्चों, 23 तारीख के वीडियो में मैंने आपको अकारांत पुल्लिंग शब्द के विषय में पढ़ाया था, जिसका मैंने आपको एक वचन का रूप बताया था। आइए आज पुनः हम उसी चैप्टर की पुनरावृत्ति करेंगे, उसी चैप्टर के विषय में जानेंगे। यह इसलिए क्योंकि मैं यह जानना चाहती हूँ कि आपने इससे कितना सीखा। यदि आपने कुछ जानने में आपको कुछ तक दिक्कत हुई हो तो मैं उसे एक बार और बताना चाहूंगी ताकि आप इसे और भली प्रकार से समझ पाए। आइए देखते हैं अकारांत पुल्लिंग शब्द, जिसको कि मैं कुछ प्रश्न के रूप में आपके समक्ष रखूंगी एवं इसके उत्तर भी मैं आपको बताऊंगी। जो मैंने आपको अकारांत पुल्लिंग शब्द के विषय में पढ़ाया था वो था कि संस्कृत में लिंग, वचन इत्यादि के अनुसार शब्दों के रूप बदल जाते हैं। शब्द रूपों के मूल शब्द को प्रातिपदिक कहते हैं। इस पाठ में आए सभी शब्द रूप, जितना भी मैंने आपको उस दिन पाठ में जितने भी शब्द के रूप मैंने आपको बताया था, वे अकारांत पुल्लिंग प्रातिपदिकों में विसर्ग जोड़कर बनाए गए हैं। विसर्ग लगने पर वे एक वचन के शब्द रूप या पद बन जाते हैं। देखिए, जिस प्रकार से मैंने यहाँ पे प्रातिपदिक शब्द लिखा है कुछ एवं उसके शब्द रूप बनाया है। प्रातिपदिक यानी ये मूल शब्द हैं, ये शब्द रूपों के मूल शब्द हैं। जब हम इसमें विसर्ग लगा देते हैं तो वो शब्द रूप एक वचन बन जाता है, यानी अकारांत पुल्लिंग का एक वचन का रूप बन जाता है। जैसे देव शब्द है तो इसमें मैंने विसर्ग लगाया तो देव बन गया। देव में अकारांत है ये, क्योंकि इसका अंत अ से है तो ये देव है। इसका जो है प्रकार वो अनिश्चित हुआ, अतः ये देव शब्द है। और इसमें जब मैंने विसर्ग लगा दिया तो यह एक वचन का शब्द बन गया, अकारांत पुल्लिंग एक वचन का शब्द बन गया। इस तरह से जो उसका मूल शब्द है जिसमें कि विसर्ग नहीं लगे होते हैं वो प्रातिपदिक कहलाते हैं, और जब उसमें विसर्ग लग जाते हैं तो वह शब्द रूप बन जाते हैं। अब आइए मैं उस चैप्टर से आपको कुछ प्रश्न पूछूंगी। संस्कृत में किसके अनुसार शब्दों के रूप बदल जाते हैं? जैसा कि मैंने आपको चैप्टर में पढ़ाया था, मैंने आपको अकारांत पुल्लिंग के विषय में, कि संस्कृत में लिंग, वचन इत्यादि के अनुसार शब्दों के रूप वचन बदल जाते हैं। लिंग हो गया स्त्रीलिंग पुल्लिंग एवं नपुंसक लिंग, वचन हो गया एक वचन द्विवचन एवं बहुवचन। तो लिंग, वचन इत्यादि के अनुसार शब्द के रूप बदल जाते हैं। दूसरा प्रश्न है मेरा कि शब्द रूपों के मूल शब्द को क्या कहते हैं? शब्द रूप के जो मूल शब्द होते हैं उन्हें क्या कहते हैं? जैसा कि मैंने आपको पढ़ाया था कि शब्द रूपों के मूल शब्द को क्या कहते हैं? प्रातिपदिक कहते हैं। एक वचन के शब्द रूप कैसे बनते हैं? एक वचन के शब्द रूप कैसे बनते हैं? अकारांत यानी अ अंत वाले पुल्लिंग प्रातिपदिकों में विसर्ग लगने पर वे एक वचन के शब्द रूप या पद बन जाते हैं। जब हम उसमें उस शब्द में मूल शब्द में जब हम विसर्ग लगा देते हैं तब वो क्या हो जाते हैं? अकारांत यानी अ अंत वाले पुल्लिंग जो प्रातिपदिक होते हैं, जैसे ये सारे जितने हैं देव, सूर्य, चंद्र, नर, बालक, शिक्षक, हस्त, कर्ण, ये सभी जो शब्द मैंने लिखे हैं ये प्रातिपदिक हैं एवं ये पुल्लिंग शब्द हैं, और इसमें जब विसर्ग लगा दिया गया है तो यह शब्द रूप एक वचन का शब्द रूप यानी अकारांत एक वचन के शब्द रूप बन गया। इस प्रकार से आपको यह समझना होगा कि पुल्लिंग जो प्रातिपदिक होते हैं उसमें विसर्ग लगा कर वे एक वचन के शब्द रूप बन जाते हैं। इस प्रकार से मैंने आपको आज पुनः
पढ़ाए गए पाठ की जो पुनरावृत्ति है, जो रिवीजन है, वो मैंने आपको करवाया है। अब मुझे उम्मीद है कि आप भी भली प्रकार से इस पाठ का अध्ययन करेंगे एवं इससे सीखेंगे। आगे की जानकारी लेकर मैं पुनः उपस्थित होंगी। तब तक के लिए धन्यवाद।